न्यूमेरेटर क्या है जो ऊपर का जो नंबर होता है यानी कि कितने जो होल पार्ट है उसमें से कितना पार्ट ठीक है जैसे कि वन बाय टू होता है यानी कि आधा दो में से वन वो वन है यहाँ पे न्यूमेरेटर ठीक है डिनोमिनेटर क्या है द बॉटम नंबर इन ए फ्रैक्शन इंडिकेट्स इन हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ए होल हैज डिवाइडेड इट इज नोन एज डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे का नंबर होता है वो होता है डिनोमिनेटर जिससे कि जैसे कि वन बाई टू इसमें से डिनोमिनेटर कौन होगा टू तो टोटल जो होल पार्ट होता है टू दो में से वन भाग तो दो होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर एग्जाम्पल राइट द न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर इन इन इच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे चार फ्रैक्शन दिए हैं इसमें से न्यूमेरेटर कौन है डिनोमिनेटर कौन है सोल्यूशन देखो ए नंबर वन बाई थ्री दिया है तो न्यूमेरेटर वन है डिनोमिनेटर है थ्री ऊपर का न्यूमेरेटर नीचे का डिनोमिनेटर ठीक है बी नंबर देखो थ्री बाय फोर दिया है तो न्यूमेरेटर होगा थ्री और डिनोमिनेटर होगा फोर सी नंबर फाइव बाई ट्वेल्व दिया है तो न्यूमेरेटर है फाइव डिनोमिनेटर है ट्वेल्व डी नंबर है सेवन बाई टेन तो न्यूमेरेटर है सेवन और डिनोमिनेटर है टेन तो देखो रीडिंग ऑफ फ्रैक्शन हम फ्रैक्शन को कैसे करके पढ़ेंगे द न्यूमेरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज रीड एज कार्डिनल नंबर एंड द डिनोमिनेटर एस एन ऑर्डिनल नंबर एक्सेप्ट वन बाई टू बिकॉज दिस इज रीड एज हाफ तो हमारा जो न्यूमेरेटर होता है वो कार्डिनल नंबर के हिसाब से हम पढ़ते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम ऑर्डिनल नंबर में पढ़ते हैं जैसे कि एक्सेप्ट वन बाय टू वन बाय टू को हम ऐसा करके नहीं पढ़ते वन बाय टू मतलब हाफ उसको हम ऐसा करके नहीं पढ़ते जैसे कि यहाँ पे दिया है देखो थ्री बाय फोर्थ इट्स रीड एज थ्री फोर्थ यानी कि वो जो न्यूमेरेटर है वो थ्री और फोर्थ जो होता है ये फोर्थ ये कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर यानी कि थ्री बाय फोर्थ को हम कैसे पढ़ेंगे थ्री फोर्थ टू बाई फाइव को कैसे पढ़ेंगे टू फिफ्थ फाइव बाई एट को फाइव एट्स ठीक है यहाँ पे देखो एक वन होल एक सर्किल और एक दिया है यहाँ पे ड्रॉ ए सर्किल और ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर और एनी क्लोज फिगर ऑन द सीट ऑफ ए पेपर दिस इज ए होल बिकॉज इट इज नॉट डिवाइडेड इन एनी पार्ट्स हम क्या करेंगे एक पेपर में पहले एक सर्किल और ए स्क्वायर और ए रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ये एक टोटल होल पार्ट है क्योंकि इसको हम डिवाइड नहीं करें ये टोटल होल पार्ट है ठीक है हाफ हाफ मतलब क्या वही जो सर्कल या स्क्वायर या रेक्टेंगल है उसमें से आधा ठीक आप है हाफ मतलब आपको आधा पता है ड्रॉ ए सर्कल और ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर एंड डिवाइड इट इंटू टू इक्वेल वन पार्ट आउट ऑफ द टू दिस इज हाफ तो वो जो स्क्वा तो सर्किल या रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे उसमें से आधा पार्ट को हम क्या करेंगे सेड कर देंगे और बाकी का आधा को खाली छोड़ देंगे तो ये जो आधा पार्ट सेड करा गया है वही होता है हाफ यानी कि जैसे यहाँ पे देखो सर्किल का आधा पार्ट सेड करा गया है येलो कलर में बाकी का आधा छोड़ दिया है तो ये सर्किल का ये आधा पार्ट है ये आधा पार्ट है यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही स्क्वायर का ये आधा पार्ट है ये आधा पार्ट है यानी कि ये हाफ है एक जो फुल होल पार्ट होता है उसमें से आपको अगर उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो क्या होगा वो जो होल पार्ट होता है उसका आधा होता है ठीक है वन फोर्थ देखो ड्रॉ ए स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर ए सर्किल ऑन द सीट ऑफ ए पेपर एंड डिवाइड इट इंटू फोर इक्वेल पार्ट वन पार्ट ऑफ सेड वन पार्ट आउट ऑफ फोर पार्ट दिस इज हम क्या करेंगे एक सर्कल स्क्वायर और रेक्टेंगल ले लेंगे उसको इक्वली फोर्थ पार्ट में डिवाइड करेंगे ये जो होल होता है उसमें से सर्किल को स्क्वायर को रेक्टेंगल को इक्वली फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर देंगे और फोर जो पार्ट होता है उसमें से वन 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 को सेड कर देंगे जैसे कि यहाँ पे करा गया है सर्किल ये टोटल पूरा है एक होल है उसमें से ये फोर्थ इक्वल पार्ट में डिवाइड करा गया है और उसमें से वन पार्ट को सिर्फ सेड करा गया है तो इसको हम कैसे करके पढ़ेंगे फोर में से वन पार्ट यानी कि वन फोर्थ ठीक है उसी तरह स्क्वेयर का भी फोर में से वन पार्ट को सेड करा गया है और रेक्टेंगल का भी फोर में से वन पार्ट को सेड करा गया है तो चार जो फोर में से वन पार्ट अगर सेडेड करा गया हो तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे यानी कि ठीक है तो ये जो एक्सरसाइज है सेवन पॉइंट टू वन नंबर दिया है देखो राइट द दे रिजल्टेंट फ्रैक्शन इन डिनोमिनेटर है इलेवनिटर है फोर तो न्यूमेरेटर हमेशा ऊपर का नंबर होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नीचे का नंबर होता है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी कि फोर बाई इलेवेन तो पूरा आसान है ये वन नंबर ठीक है तो ऐसे करके आपको सारे लिखना है टू नंबर राइट द न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शन न्यूमेरेटर मतलब ऊपर का नंबर और डिनोमिनेटर मतलब नीचे का नंबर तो इसमें से टू है न्यूमेरेटर और सेवन डिनोमिनेटर तो ये भी हो पाएगा राइट इन वर्ड्स फोर बाय सेवन मतलब फोर्थ सेवेंथ थ्री बाय नाइनटीन मतलब थ्री नाइनटीन नाइन बाय थर्टीन मतलब नाइन थर्टीन ऐसे करके आपको ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर में ये लिखना है राइट द न्यूमेरेटर इन इच बॉक्स टू मेक ए कम्प्लीट होल इसमें से आपको जो भी न्यूमेरेटर numerator... मतलब क्या देखो ये जो फ्रैक्शन हमको आधा आधा दिया है इसको हमको पूरा होल बनाना है होल मतलब टोटल वन पार्ट तो सेवन में से कितना पार्ट होने से टोटल वन पार्ट होगा सेवन में से सेवन से से पार्ट होने से टोटल तो वन पार्ट सेवन बाय सेवन इज इक्वल टू वन आपको पता है तो वन मतलब इक्वल टू वन ए पार्ट टोटल होल पार्ट होता है तो यहाँ पे न्यूमिरेटर क्या होगा सारे सेम नंबर सेवन बाय सेवन फोर बाय फोर थ्री थ्री एंड इलेवन बाई इलेवन उसी तरह फाइव नंबर राइट द डिनोमिनेटर इन ईच बॉक्स टू मेक ए कम्प्लीट होल उसी तरह यहाँ पे हमको न्यूमिनेटर दे दिया है इसको भी हमको वन होल बनाना है तो वन होल बनाने के लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तो फाइव बाय फाइव सेवन बाय सेवन नाइन बाय नाइन एंड थर्टीन बाय थर्टीन होगा ठीक है तो ये सेवन पॉइंट टू आपका होमवर्क है वन टू थ्री फोर एंड फाइव नंबर नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे